Oh my god, it's burger and fries. Good morning. Hello, mama. क्या किया? पानी चेंज कर दिया पापा के साथ मिलके. देखो क्लीन हो गया इनका वॉशर. तो ये वाली काटती भी नहीं. नाउ टाइम फॉर ये वाली छोटी क्यों है? इतनी छोटी क्यों है? विच वन? वो पानी में दिख रहा है रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसलिए. बाकी बड़ी दिख रही हैं क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है, अदरवाइज तो सारी छोटू छोटू है. चलो वो खाना दो फटाफट. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. बहुत शोर आ रहा है क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो हो गया आज सैटरडे, 28 रोजे हो गए हैं आज माशाल्लाह से. एंड बस आज और कल का दिन बचा हुआ है, फटाफट से काम निपटाने हैं. और आज हम माइट बी शॉपिंग के लिए भी जाएँ जो भी थोड़ा बहुत है. एंड मिंत्रा से मेरा सूट आ गया एंड इट वॉज सुपर, बट अभी दिखाऊंगी नहीं. जब मैं ईद में पहनूंगी तभी दिखाऊंगी. अभी अनाया की शॉपिंग बची है. अभी तो मेरा भी आने वाला है. अनाया का भी मैंने कुछ ऑनलाइन किया है. अभी थोड़ा शॉपिंग करेंगे. मार्केट से भी कुछ देखना है इसके लिए, टॉप वगैरह, राइट? और अलसानी से कुछ तो चले मिलते हैं आप लोगों से. घर के फटाफट से काम हो जाए, आज थोड़ा किचन की भी क्लीनिंग करनी है. एंड अनाया आज मामा के साथ मिलके अपनी आलमीरा सेट कर देगी, ठीक है? ओके आलमीरा एंड इस्टर. मामा जब मैं स्विमिंग से आऊंगी. आज स्विमिंग नहीं, अब स्विमिंग अभी दो दिन नहीं, अभी फटाफट घर के भी काम करने हैं, ठीक है? तो आप लोगों से मिलते हैं. तो उसके बाद हम आ गए सलोन. यहाँ पे हमने हेयर कट कराना था मेरा और अनाया दोनों का. And it's done. बहुत ज़्यादा नहीं कराने थे, जस्ट ट्रिमिंग. She liked her haircut. और उसके बाद मैंने भी, मुझे भी जस्ट ट्रिमिंग ही करानी थी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर 6 to 7 month में ट्रिमिंग करा लेती हूँ, उससे बाल ठीक रहते हैं, स्प्लिट एंड नहीं होते हैं एंड वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है. सी सो हेयर कट हो गया था. उससे पहले हम कर्टेन की शॉप पे भी गए थे तो कर्टेन हमने ऑर्डर कर दिए एंड इट्स डन. उसके बाद थोड़ा सा और पैम्परिंग टाइम. I love mom. Show me, show me. Wow, it looks nice. So आज अच्छे खासे काम निपट गए. कर्टेन का ऑर्डर दे दिया है, वो दो दिन में अर्जेंसी में स्टिच करके देंगे क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं थे. एंड वी बोथ गॉट हेयर कट. And I love your straight hair. See, हम दोनों के opposite है. मम्मा को straight पसंद है but अनाया को curly पसंद है. और अभी पापा ने क्या order किया है? Pizza. Yes, because इफ्तार फिर ऐसे ही हुआ चलते फिरते. और अभी अनाया बोली pizza खाना है क्योंकि फिर हम घर आ गए. अनाया की class थी. How was your class? Good. Nice and two question wrong. Two question wrong. And on homework. गुड गुड गुड. सो बस ये था. और अभी हम बाकी की शॉपिंग नहीं हो पाई है, वो अब इंशाल्लाह कल होगी. ओ वाओ, ओ वाओ, दिस इज ओनली माय पिज़्ज़ा. योर फेवरेट कॉर्न्स? दिस इज गार्लिक ब्रेड. ओह
गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज है संडे मॉर्निंग। एक्चुअली कल का व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट था नहीं। सो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद दो दिन का अपलोड करेंगे, जिसमें होगी कुछ ईद की प्रिपरेशन, ईद की शॉपिंग, राइट? कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हुई है कुछ कल की, अब बाकी बची हुई आज करेंगे। बाकी ग्रोसरी वगैरह भी मैंने ऑर्डर कर दी थी बिग बास्केट से, सारा सामान लाइक बिरयानी, राइस एंड ऑल सब कुछ आ गया है। और इस बार हम ईद में इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड नेबर्स को, क्योंकि हम होम टाउन नहीं जा रहे इस बार, तो सोचा फिर यहीं पे सबके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स आएंगे, अनाया के भी फ्रेंड्स आएंगे, पापा के फ्रेंड्स आएंगे, यस, और मामा के। तो बस ये है सारी चीजें। एंड आज से प्लस कल का मेन काम होगा जो प्रिपरेशंस एंड ऑल होगी। अभी तो मैं जिंजर गार्लिक का पूरा लाइक पेस्ट रेडी करके रखना है, फिर कल शाम से ही मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मेन्यू क्या होगा वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह कल। एंड बाकी अनाया और मामा कोई गेम खेल रहे हैं, नहीं अनाया? कौन सा गेम है? नाम नहीं पता, पर ये गेम हुआ। नाम नहीं पता, आपने इन्वेंट किया है? नहीं, क्या हो रहा है गेम? विच गेम आर यू प्लेइंग? पजल्स? नो। देन अच्छा, नाम नहीं पता। अब क्या है, अब क्या है? शो मी, शो मी। दोनों बार मम्मा जीती है, मम्मा गॉट टू पॉइंट्स। अनाया, सो आई एम प्लेइंग अ गेम, वी हैव टू टेक वन चिप एंड वी हैव टू ओपन एंड सी व्हिच वर्ड इज दैट एंड अनदर पर्सन शुड नॉट सी व्हेन दे आर ओपनिंग द चिप। ओके, एंड दे शुड नॉट सी द word which is written on this chit, and then how many letters are there, you we have to count and write here dashes. Okay, chalo, let's and, start. And another person should person it's person okay mamma ka yaad hai bubba bubba paper bubba paper. So another person should think and say the letter. Okay, so fine. If that word, and this is for here, which letters are wrong that we have to write here, and when the letter will be wrong like that, it's a cake. Okay, and so somebody say that you say J. Okay, so the J was wrong, so I'm going to write here J, and I'm going to draw here a circle. We have to draw like a dog. Okay, fine. So I'll pick one chit? No, first me. You have to not see. Okay, fine. Don't see. My eyes is closed. Okay, so let's see what the chit. Oh my God, it's a big me. Just show the audience. See, it's me. Okay, I can just. Can I open my eyes? No, I just write the dashes. Okay. Don't open. I don't know where camera is going. Now you open your eyes. Oh, okay. Okay. So now, where's the first? Okay. Then what's the first? Oh, 3, 3, 3. 9 letters and 3 letters, right? Yes. See. There is. You only forgot. What? M. Very nice. E. There is E. Yes. On here. If you know the word, you can say also. R. R. Wow. Yes, there is R. E. That is cream. No. No.
Okay. Papa, can you help? No, Papa cannot help. And? Huh? And. And there is. Don't say. Man, what? M हो गया. M again? No. Only once. दोबारा नहीं आएगा. L? No. अरे क्या बोल रहे पापा? No, two chances left. स्पेलिंग ठीक लिखी है आपने. देख. Yes. अच्छा पापा को दिखाओ स्पेलिंग ठीक है. Don't see. You just do. Oh. अच्छा एस नो जस्ट वन लास्ट चांस ओ गॉड ओ ओ हो बी नो नीचे टॉय ओ माय गॉड गुड वन सो नाउ पापा का टर्न अच्छा आईज क्लोज शो मी ओ गुड ओके इट्स वेरी सिंपल अनाया नाउ फर्स्ट लेटर अरे अब क्या कर रही हो नहीं तो अनाया एक सेकेंड ए एक और आएगा ना हाँ नहीं आएगा अच्छा हाँ ठीक है बी पापा समझ गए ना अभी समझ नहीं आया टेल थिंक एंड टेल पापा जल्दी बोलो इतना टाइम नहीं लगता अनाया ने मम्मा को हैंग किया है तो पापा भी हैंग होंगे नाउ अब पता चल जाएगा पापा नाउ यू कैन गेस अनाया नीचे भी आएगा और पप्पा नाउ यू कैन गेस क्या वर्ड है यार ये अनाया फेवरेट नहीं चलो इनको हैंग करो जल्दी बताओ You. G. Oh my God, it's burger and fries. Wow.
जस्ट अबाउट टू गोइंग फॉर शॉपिंग एंड सडनली ऐसा मौसम हो गया, इतना ज़्यादा ओले गिर रहे थे, बारिश हुई, बट बहुत ही अमेजिंग वेदर हो गया था। नया ने तो बहुत मज़े किए, उन्होंने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखे थे हेल स्टॉर्म, तो बहुत ही अच्छा हुआ। थोड़ी देर वेट किया हमने बिकॉज आधे पौन घंटे में ये ठीक हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी बट फिर कम हो गई थी। और उसके बाद फिर हम निकले शॉपिंग के लिए और ये था नेक्स्ट डे मींस संडे। बट बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें, कहीं पे तो नहीं था बट मॉल के पास था, बिकॉज फिर हम मॉल ही गए PMC। वैसे था कि इंदिरा नगर जाएंगे बट फिर पार्किंग का इशू होता, बारिश में रश भी होता, तो हमने सोचा फिर इधर उधर जाने से अच्छा है फिर एक ही जगह चले। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखा, मैं वैसे भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, इधर 2 साल कोरोना में तो सब कुछ ऑनलाइन किया है, तो नाउ आई एम हैबिचुअल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। फिर इफ्तार का टाइम हो गया, हमने बर्गर किंग में फिर इफ्तार किया। सो मिंत्रा से आ गया था मेरा सूट ऑलरेडी, एक दो कुर्ते भी किए थे मैंने। अनाया शाहनवाज और भाई की शॉपिंग की हमने बेसिकली। ऐसे वेदर में आइसक्रीम का मज़ा ही अलग है। उसके बाद अनाया ने कुछ गेम्स खेले एंड फिर हम घर आ गए। एंड फिर रात में जब हम नीचे गए वॉक करने, बहुत ही सुपर्ब वेदर था, बहुत हवा चल रही थी। सो बस ये था 2 दिन का व्लॉग, ईद की प्रिपरेशन एंड शॉपिंग। कल मिलेंगे फिर, मैं उसमें आपको के साथ ईद का मेन्यू डिस्कस करूंगी एंड इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।